आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो दो कंपाउंड्स हैं, प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपीन, ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं। तो हमें ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्टिकल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर एंड नन। तो हम वन बाय वन तीनों को देख लेते हैं, देन हम डिसाइड करेंगे कि ये कैसे आइसोमर्स हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, अरेंजमेंट एटम्स का सेम होता है, सारे बॉन्ड्स सेम होते हैं, बट डिफरेंस किस में होता है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अमाइनो एसिड का। हमारे पास एक कार्बन है जिस पे COOH लगा है, NH2 लगा है, ग्रुप लगा हुआ है एक, और एक H लगा हुआ है। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये एक कार्बन पे चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे। अब इस तरीके के जो हमारे पास एटम्स, इस तरीके के हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स के हम क्या बना सकते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना सकते हैं। अब इसकी मिरर इमेज हमने ऐसी बना ली, NH2 और यहाँ पर COOH, तो हमने ऐसी मिरर इमेज इसकी बना ली। अब अगर इसको हम उठा के इसके ऊपर रखें तो ये जो है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर हम इसको उठा के इधर पे रखेंगे तो इस COOH के ऊपर NH2 आ जाएगा और इधर NH2 के ऊपर COOH आ जाएगा। तो ये जो है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, और ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। तो इस केस में सारी चीज़ें सेम रहती हैं, देखिए अब सारे बॉन्ड्स भी सेम हैं, एटम्स भी सेम हैं, उनका अरेंजमेंट भी सेम है, सब सेम है, कि ये भी कायरल कार्बन है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अब उसके बाद बोला है रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होता है, रिंग चेन आइसोमर्स में फॉर्मूला सेम होता है। जैसे अगर हम इसमें फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6, इसका फॉर्मूला है C3H6। अब फॉर्मूला तो इनका सेम है बट स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, एक में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक में रिंग बनी हुई है। फॉर्मूला सेम है तो इनका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो भी सेम है, दोनों में जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DO है वो कितना है, 1 है। तो अब वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या तो रिंग के फॉर्म में हो सकती है या डबल बॉन्ड के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक में डबल बॉन्ड के फॉर्म में, एक में रिंग के फॉर्म में। तो इस तरीके के जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये दोनों क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स है। उसके बाद फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स जो होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं, जैसे कि हम इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं CH3CH2OH और CH3OCH3। अब इसमें अगर हम देखें तो ऊपर वाला क्या है, अल्कोहल है, और नीचे वाला क्या है, ईथर है। बट अगर हम इन दोनों का फॉर्मूला देखें तो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, CH6O, ठीक है, C2H6O, इनका फॉर्मूला होगा C2H6O, दोनों का ही यही फॉर्मूला होने वाला है। बट जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। तो फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होता है, सेम फॉर्मूला बट अरेंजमेंट ऐसा होता है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, एक में ईथर है और एक में क्या है, अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ये तीनों जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।